हमारा मेन कुल्लड़ वाला दूध जो कि बहुत टेस्टी लगता है सर्दियों में, तो हम तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय जिनें। तो कैसे हो आप? बोल जल्दी, कैसे हो आप? ऐसे बोलेगा जल्दी से, कैसे हो आप? तो हमने अभी आकाश की एक स्टोरी और पकड़ ली, उस पे भी आएंगे, पर अभी उससे पहले हम बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दूध पीने, जो मुझे बहुत पसंद है, कुल्लड़ का दूध। कुल्लड़ वाला दूध चलता है इधर, भरोसा नहीं है पर मिला का नहीं मिला। हाँ, क्योंकि हम लेट हो गए, अभी 11 बज गए, जाती हुई सर्दी का। और ये हमारे एक मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसने मेरा बचपन में बहुत सारी चीजों में साथ दिया है। तो कैसा अनुप? बढ़िया बढ़िया। ये अभी थोड़ा सीरियस है, वीडियो को देखते ही इसकी टोन चेंज होगी। हाँ, नहीं तो वीडियो से पहले कुछ और बोलना था। नहीं, वैसे बढ़िया इंसान है। आज जो है, मतलब आज एक मिनट इंट्रोडक्शन दे दूं, इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज वहाँ पे जाके ये बहुत ज्ञान। नहीं, वहाँ पे तो मत जाओ, वो तो आप देखो। मैं बस इसको बताऊंगा, आज जो ये ड्रेस में स्कूल टाइम इससे अपोजिट था, अभी पुलिस है तो स्कूल टाइम क्या था समझ जाओ। समझ जाओ, ठीक है कि नहीं? मैं पांडे ने कुछ नहीं चुराया, ये अभी समझदार है तो स्कूल टाइम में कैसा था समझ जाओ। और किसकी संगत में था समझ जाओ, बस समझ जाओ बस। लेकिन पांडे, तूने ये चुराया या नहीं चुराया ये बात क्लियर कर पहले यार। पांडे, मैंने कुछ याद आ रहा जैसे इसने चोरी की कुछ बात। अरे नहीं नहीं, वैसे एनसीसी का याद आ गया कुछ। अच्छा ये बताऊं, इसने ना फ्लाइंग कर रखी है, हेलीकॉप्टर उड़ाया इसने स्कूल टाइम में, बहुत नाम था इसका स्कूल में। खुश खुश हो गया, तारीफ हो गई भाई, बहुत खुश। और एक चीज मैं बोल दूं, वो 1000 रुपए वाली बात बोल दूं, हजार रुपए जितने दिए नहीं अब तक। देखो हुआ क्या था, हम लोग प्ले करते थे, मैं सच्ची खबर बता रहा हूँ, और जिनने दिए वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो हुआ क्या था बेटा, उनकी आंखों को तो हम लोग ने प्ले करा, बहुत अच्छा प्ले हुआ था हमारा। तो ऐसे होते नहीं, ऑडियंस से खुश हो गए, 1000 रुपए दे दिया हमें भाई, 1000 रुपए मिल गए, हम लोग खुश हो गए। तो जैसे ही हम लोगों को 1000 रुपए मिले, तो वो फिर अनूप को मिल गए, और अनूप 1000 रुपए कहाँ हैं अब ये बताओ। इसने आज तक नहीं दी, ये 11th क्लास की बात है, 11th क्लास में हमें 1000 रुपए मिले थे, बता कहाँ है वो? पुराना नोट था, वो चलना बंद हो गया। समझे समझे समझे। होता क्या था, हम लोग ना पहले बचपन में 11th 12th की बात है, बहुत मजाक वगैरह करते थे मस्त। अभी ये घर आया, एक लड़की को तो प्यार करता था, छोड़ो। तो हम लोग है ना बहुत ज्यादा मजाक करते थे। अभी ये घर आया, ये भी सीरियस था, मेरी भी जॉब चल रही थी, मेरी अभी सेकंड शिफ्ट है ना, जस्ट अभी फिनिश हुई है भाई। हो जाते हैं यार, थोड़ा लाइफ टफ हो जाती है, थोड़े सीरियस हो जाते हैं हम। हमें मतलब सोच ही नहीं सकते कि 11th 12th करेंगे आप लोगों से, ठीक है? हाँ, बंद कर। नहीं रुक जा, हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि हम लोग 11th 12th में इतने मजाक करते थे, इतनी मस्ती करते थे, अभी थोड़े सीरियस हो गए ज्यादा। ये सीरियस दिख रहा है? नहीं अभी मैं सच में कैमरे के आगे थोड़ा वो हो गया, पर वैसे मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ है, और पांडे के साथ नहीं है, लेकिन नहीं सबके साथ भाई मैं। लेकिन जितना आप अपने आप से संतुष्ट हो जाओ वो ज्यादा बेटर है। कल मैंने उसको फोन करा, और फोन करके मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, इसने मुझसे ज्यादा अपनी प्रॉब्लम बता दी। मैंने कहा स्टिल मेरी जॉब अच्छी है, फिर ले भाई, मेरे पास 5 गुना प्रॉब्लम है। एक ही लड़का जिसपे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आकाश, हाँ अब आकाश पे आते हैं। आकाश क्या हो गया आपका? दरबार की आकाश की, आकाश क्या हो गया, गर्लफ्रेंड का क्या खो गया? पर्स खो गया इसकी, गर्लफ्रेंड का पर्स खो गया। और उसकी गर्लफ्रेंड पता कितने रुपए वाला पर्स सकती है? 3500 रुपए। नहीं 3500 नहीं, 1400 रुपए का पर्स था भैया। भाई इतना महंगा हम बता रहे। ऐसा हुआ, हम गए थे रेस्टोरेंट, तो मैं और मेरी बंदी थी, बंदा बंदी नहीं, गर्लफ्रेंड थी। तो हम लोग गए थे, तो मैंने गैर रोड पर गाड़ी लगा दी थी, गैल पे गाड़ी लगा दी थी रोड पे। कार वाला आया, तो कार वाला हॉर्न में आ रहा था, तो मैंने साइड में कर दी क्या, तो वो डिग्गी खुल रही थी, तो डिग्गी में पर्स लगा था, तो वो पता नहीं एक्टिवा की डिग्गी खुल रही थी, साइड में करा उसने, के उसने निकाला है पता नहीं कितने। हम तो कम से कम खाना पीना खा के कम से कम 1 घंटा करीब। क्या करने, खाना खाने गए थे? अच्छा, मैं लड़की को कुल मिला के डेट पे लेके गया, और पर्स 500 का खाना खाया, 5000 का नुकसान करके आया। ये है हमारे आकाश का टैलेंट। उसके बाद फिर अभी दिया उसको, वापस दिया पर्स? सोच तो रहा हूँ देने के। कितने रुपए वाला दे दो? 100-200 250 वाला। तो चलो चलो इस बात चलो बढ़िया रहा, कंप्लीट। तो इससे इसलिए सीख मिलती है कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने जाओ तो डिग्गी में लॉक लगा। तो अगर पर्स नहीं, वैसे अनूप भाई पे आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो। अनूप भाई, अनूप सर, तो ये फाइनली ये है हमारा मेन कुल्लड़ वाला दूध जो कि बहुत टेस्टी लगता है सर्दियों में। तो हम तो रेगुलर पीते थे भैया और मैं, मतलब जब भी भैया मैं आकाश और सागर मोस्टली आ ही जाते थे, पर अनूप ते हुआ था। फेंटा बोला सर, सबसे अच्छी बात क्या बोला तूने? फेंटा कोला, फेंटा बोला,
फैंटाबुलस। अबे दो वर्ड होते हैं, एक तो फैंटास्टिक होता है, एक फैबुलस होता है। तूने दोनों को मिक्स कर दिया। तूने इतना लॉजिक भी लगा दिया। अरे नहीं एक्चुअली में होता है भैया ये हमारा पढ़ते थे जब हमने याद करा था। स्मोक नहीं, स्मोक माने धुआं और फॉग, फॉग जो सर्दी में पड़ता है, उन दोनों को मिक्स करके एक शब्द बना था स्मोक। ये तो मुझे याद है, मैंने रीजनिंग की क्लास ये कुछ तो लिया था, उधर पढ़ा था। तो इसका एक शब्द है फैंटाबुलस। हाँ, तो हमारे ब्लॉग में आप लोगों को इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी। तो मैं एक बात कर रहा था। हाँ, मैं कर रहा था, जैसे इसने कहा ना दूध कैसा लग रहा है, ये दूध तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये दोस्त होते हैं ये नहीं मिलते यार। ये दोस्त पांडे, तूने मेरे एफ जीत लिए, लोग दिल जीत। रुक जा बस। अब तू भाई वो 1000 रुपए कब दे रहा है? ये पुराने अब पता है, वो 1000 रुपए मेरे भी नहीं थे। हम लोग 11 लोग थे भैया, हम 11 लोग थे। हमने प्ले करा था और हमारा प्ले था वाटर प्ले, बहुत बढ़िया गया, हिट हुआ। हमारे काफी प्ले बहुत ज्यादा हिट गए थे, हमने काफी जगह कराए। और पांडे बहुत अच्छा एक्टर है। हां, बहुत अच्छा एक्टर है। आप लोग देखो, अभी देख सकते हो, अभी देख रहे हो कितनी सीरियस एक्टिंग कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पांडे कितना अच्छा एक्टर है, कि अभी सीरियस था और इस समय मजाक के मूड में। नहीं, पांडे तो पता नहीं है कि जतिन का दिमाग खराब हुआ हो तो फिर पांडे भी अभी सीरियस हो जाए। ये क्या है ना, हमारे घर हम दोस्तों में मतलब ऐसे भाई हैं, मैं बड़ा हूँ तो इज्जत करते हैं लोग, पर इसके मूड पे सब लोग चलते हैं। मतलब मैं बड़ा जरूर हूँ लेकिन मैं भी इसी के मूड इसी का चलता है। अरे बैठा हुआ था, फोन करने की हिम्मत नहीं, लॉन्डे लेट करा दी मैंने। मैंने कि नहीं अभी कोई जाएगा नहीं, मैंने राज भाई नहीं आई। एक्चुअली में ऐसा होता है, जब ऑफिस में चल रहा होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है कि उठ नहीं सकते। छोड़ ऐसी जॉब को, क्या ही रखा है। छोड़ दे टीसीएस छोड़ दे, मजाक नहीं। जो टीसीएस वाले देख रहे हैं ना गुजरात में, छुड़वा रहे हैं से टीसीएस। छुड़वा रहे हैं, क्या करना है, जॉब छोड़ना है? कमेंट में बता दो भाई, छुड़वा दो यार इसकी। अच्छा सही सी बताना, सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी है प्राइवेट, ये चीज जरूर देख। दोनों बेकार है मेरी नजरों में, सबसे बढ़िया बिजनेसमैन ने कही वाली। भले चले ना, अरे हम तीनों डिफर है ना, प्राइवेट नहीं सॉरी प्राइवेट जॉब मेरी है, बिजनेस सरकारी जॉब, ठीक है। और ये सागर है, तो इसको क्या बोला जाए, ये किस कैटेगरी? ये मेहनती है, पर इसमें पानी नहीं है। स्टडी वाला, स्टडी सब मिल गए यहाँ पे, स्टडी। सागर तो है पर पानी नहीं है। जोक अच्छा जोक, एक जोक तो अनुप कुछ कहना चाहेगा। पांडे तू बहुत जोक। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ यार, पुलिस की ड्यूटी थोड़ी टफ होती है। मतलब लोग कह देते हैं कि बहुत सारे क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब वो बेनिफिट्स मिलते हैं, अच्छी बात है। और अनुप जैसे तुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तेरी सैलरी के अलावा? जैसे कि रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। क्या ये क्या बोला तूने, रेस्पेक्ट? तू तो ड्रेस पहना हुआ है तू अभी, बस इस वजह से उतार गया, अभी बात करता हूँ। नहीं ये बात तो है, मैं अपने दिखाने के लिए भले ही पर दे देते हैं रेस्पेक्ट। अच्छा दूसरी चीज जो बात है, डिस्काउंट भी मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। अच्छा है, बाकी डिस्काउंट तो मुझे भी मिलते हैं जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ मुझे तो डिस्काउंट मिलते हैं, ये फ्री में खा के आता है मांग के। नहीं मिलता, पहली बात तो ये गलत बोल रहे। मतलब मैं पैसे मोस्टली दे देता हूँ, वो लोग नहीं मांगते तो फिर मैं तो बोलता हूँ, जैसे अभी ये दूध लिया तो पैसे देना है इसका। अनु पैसे दियो, पैसे तो देने है? पैसे अनु पैसे दे दे भाई, पैसे आज के समय में नहीं चलते भाई। कभी इसका 1000 का नोट नहीं चलता, कभी पैसे नहीं चलते भाई। रुपए दे दे, पेटीएम ही कर दे। पेटीएम कर दूं, बंद हो गया वो। पेटीएम कर दूं, पेटीएम बैंक बंद हो रही है, पता है तुझे? रहने दे भाई, समझ रहे हो। पांडे को ये भी सिखा दिया गया कि कदर कैसे करना है, पैसा कैसे बचाया। तो जोक सपाट, मजा आ रहा है बाकी। अब नहीं सच्ची में बता रहा हूँ, पांडे ने बिल्कुल सही बात बोली कि जो मजा दोस्तों के साथ है ना, वो भी पुराने दोस्तों के साथ, वो कहीं पे भी नहीं है। तुम कुछ भी करो लेकिन दोस्तों के साथ करो। मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से, मैं भी बहुत ज्यादा। और मेरे दोस्त बन जाते हैं इसलिए, मेरे गुजरात में बहुत दोस्त बन गए। पांडे बहुत फील फ्री करता है, मेरे पास आ जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है जब भी आता है। जिंदगी में मौज लो ना मिले तो खोज लो, लेकिन इसके साथ साथ आगे भी बढ़ते रहना है। ये वाली शायरी मैंने सुनी पर कहीं किसी और में सुनी है, मैंने कुछ और सुना है ये वाली, किसी का भी चेप देगा। और एक और बात और अच्छी सी बता देता हूँ, बहुत अच्छी सी। जैसे अभी हम हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसका मूड बिगड़ जाएगा, उसके बाद हम सब लोग चुपचाप से चले जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। नहीं देखो, मूड तो खराब था पर कैमरा ऑन होते ही सही हो गया, ये बात तो है। नहीं इसका मूड खराब होता है, मैं बड़ा मनाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं कहूँगा यार ये ना लेट बहुत उठता है, तो पिछले 4 ब्लॉग बनाए इसे जल्दी उठाने के लिए, सारे डिलीट करे। कल जल्दी उठता हूँ, कितने बजे उठते हो आप? चलो ठीक है, कल जल्दी उठते हैं, सुबह 10 बजे मिलेगा ही उठ के। नहीं नहीं 10 बजे आप नहीं उठूंगा, अरे मेरा ऑफिस यार 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो जल्दी उठ के फायदा क्या। कितने बजे उठते हो आप? मुझे तो पता ही है, मतलब मुझे नहीं पता है, मैं तो सो रहा होता हूँ ना उस समय।
मोड़े आता हूँ, ऐसे कोशिश करता हूँ 5:30-4 ऐसे। 4:30 तो कल 4:30 बजे उठेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना, मजा आ गया नहीं, इसको अभी विदा करेंगे फिर बना लें। चलो ठीक है, मजा आया, दूध बढ़िया था। चलो अभी अनूप की ट्रेन है दिल्ली तक की, तो इसको अपने घर से बैग वगैरह देना। चीनी की वजह से बहुत मीठा हो गया, बहुत मीठा कर दिया इसने। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो काफ़ी मजा आया। तो अनूप अभी दिल्ली जा रहा है, रात के बज रहे हैं 12:30 ठीक है। तो ठीक है, तो मजा आया, मजा आया, ठीक है। अनूप आते रहे, और मतलब क्या होता है ना कि उसको टाइम थोड़ा कम मिलता है, और आकाश और सागर तो आते रहते हैं भैया, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना काफी है, फिर सब ऐसे मजा करेंगे और किसी को पकड़ेंगे, ऐसे कंटेंट देते रहेंगे, और हम देते रहेंगे, आप लेते रहो। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। Thank you.